Hi, today is transcription number 7 of Kailash Chandra magazine in T-line shorthand. अब तक में मैंने ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 to 6 प्रोवाइड करवा दी हैं. होप सो आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी सारे ट्रांसक्रिप्शंस को, एंड उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड लिस्ट मैंने साथ के साथ प्रोवाइड कराई थी उसे भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. एंड देन आज ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 है, आप अपने सॉल्यूशन को लेकर बैठ सकते हो साथ में, अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो. अदरवाइज आप साथ के साथ मेरे सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हो. तो ये ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं. 100 वर्ड्स के अराउंड हम रीड करेंगे एंड देन इसके सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे इस ट्रांसक्रिप्शन को. उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड वर्ड लिस्ट को 1 by 1 करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. नाउ आई वुड लाइक टू से दैट विथ दिस मेजर वी आर नाउ अडॉप्टिंग टू माई माइंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू हैव दिस सिस्टम और एनी अदर सिस्टम फंक्शनिंग इफेक्टिवली फुल स्टॉप द नंबर ऑफ क्लॉजेज दैट वी हैव इंक्लूडेड आर सो रेस्ट्रिक्टिव एंड रिजिड दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू फंक्शन इन दिस कंट्री फुल स्टॉप इफ एट ऑल इट इज एबल टू फंक्शन इट विल बी एबल टू फंक्शन विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फुल स्टॉप It will be said afterwards that the industrial sector, particularly the private sector, has not been able to deliver the goods. Full stop. I would like to warn the government that if anything happens in the future in which industrial production or production in the private sector has not gone up, it would be not because of any lack of efforts on the part of the private sector but because of measure that we are now adopting. तो हमने adopting तक read किया and 100 word हमारा इस जगह पर complete होता है. तो आप 1 by 1 अच्छे से completely इस transcription को solve करें. अब इसके solution पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने इसे टी लाइन में कन्वर्ट किया है. हेयर ये आपका सॉल्यूशन है. फर्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे किस तरह से हमने सॉल्व किया है एंड स्टार्ट करते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू से, अब देखो आई वुड लाइक टू से को हमने आई वुड लाइक टू से को एक साथ ड्रॉ किया है. आई वुड लाइक टू से हम सीखे थे ये आउटलाइन. ऑल राइट, तो एक साथ हमने ड्रॉ करना सीखा है इसे. तो आई वुड लाइक टू से दैट विथ दिस मेजर वी आर नाउ अडॉप्टिंग टू माई माइंड हेयर इट विल नॉट बी, नॉट बी को हमने साथ में ड्रॉ किया है. नॉट बी पॉसिबल टू हैव दिस सिस्टम और एनी अदर सिस्टम फंक्शनिंग इफेक्टिवली फुल स्टॉप द नंबर ऑफ क्लॉजेज दैट वी हैव इंक्लूडेड are so restrictive and rigid that it will not be possible for any system to function in this country full stop if at all it is able to function it will be ko humne saath mein draw kiya hai will be It will be able to function with a lot of difficulties. Full stop. It will be said afterwards that the industrial sector, particularly the
प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हमने इस तरह से ड्रॉ किया। और भी एक वे है प्राइवेट ड्रॉ करने का, दिस इज पी एंड लाइक दिस प्राइवेट। ओके, सो हियर प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर द गुड्स फुल स्टॉप। आई वुड लाइक टू वॉर्न द गवर्नमेंट दैट इफ एनीथिंग हैपेंस इन द Anything happens in the future in which industrial production or production in the private sector has not gone up, it would be not because of any lack of efforts on the here part of the private sector, but because of the measure that we are now adopting full stop। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा था। एंड वैसे ही सेम मैंने 100, 200, 300 इस तरह से वर्ड नंबर मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हो दिस इज फर्स्ट पैरा। आपको इजी वे में सारे वर्ड्स मिल जाएंगे वन बाय वन। दिस इज फर्स्ट पैरा, दिस इज सेकेंड, थर्ड हेयर एंड फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ आपका 400 कंप्लीट होता है, 400 वर्ड्स, एंड देन ये है आपका इस जगह पर आप देख सकते हो 600 कंप्लीट हो रहा है। 500 मेंशन नहीं कर रखा है मैंने, 500 आपका इस वर्ड के आसपास ही कहीं कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हो। आप देखो 5% और 10% किस तरह से मैंने लिखा है। किसी भी डिजिट को लिखकर आप सर्कल कर देना, एंड देन उसके बाद का आपको आउटलाइन ड्रॉ करना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो इस तरह से ड्रॉ करना है। आप इसे कंप्लीट करें इस ट्रांसक्रिप्शन को, एंड अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको रीड करना है। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो ट्रांसक्रिप्शन सॉल्व करने के बाद, तो आप रीड करना स्टार्ट करें। रीड भी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसे रीड करें। आप टाइमर लगा कर भी रीड कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आप कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हो रीडिंग, एंड देन डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी डेली बेसिस पे रीडिंग करोगे तो। सो कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करें अपने प्रैक्टिस में। स्टार्ट करते हैं अब वर्ड, देखते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं। अडॉप्टिंग, अडॉप्टिंग हमने इस तरह से ड्रॉ किया, माइंड ऐसे ड्रॉ किया, फंक्शनिंग इस तरह से ड्रॉ किया, restrictive like this, rigid, afterwards, sector। देखो private आप दो तरीके से draw कर सकते हो, एक ऐसे और एक इस तरह से। second वाला ये जो है आपका, ये मैंने अपने according draw किया था starting में, जब मैंने transcription solve करना शुरू किया था तब। सो हियर डिलीवर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, हैपेंस लाइक दिस, लैक, ग्रोथ ऐसे ड्रॉ करना है आपको, नेक्स्ट हैम्पर लाइक दिस, पिटी, थ्रेशहोल्ड इस तरह से, एल डी थ्रेशहोल्ड। फिर सेकेंड फाइव ईयर प्लान देख रहे हो, नॉर्मली सिर्फ आपके डिक्टेशन में अगर फाइव ईयर प्लान मेंशन है तो आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो फाइव ईयर प्लान लाइक दिस। अदरवाइज सेकेंड फाइव ईयर प्लान है तो अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, सेकेंड लिख सकते हो, सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, एंड फाइव ईयर प्लान
अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स की तरह यूज़ करना चाहते हो तो सेकेंड को आप इस तरह से लिखकर सर्कल कर सकते हो एज अ डिजिट। एंड पूरे 5 ईयर प्लान को मैंने पहले भी वर्ड ग्रुपिंग्स ग्रुपिंग के वर्ड लिस्ट में बताया था मैंने कि आपको अगर 5 ईयर प्लान सिंपली एक एफ सिंबल से ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ कर लेना। बस नॉर्मल एफ और इस एफ में ये डिफरेंस है, नॉर्मल एफ हम फ्रॉम के लिए ड्रॉ करते हैं तो सिंपली नॉर्मल साइज में करते हैं, बट इस एफ को थोड़ा सा बिग ड्रॉ करना है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो ये मेरे खुद के आउटलाइन बनाए हुए हैं ताकि मैं इजीली स्पीड इंक्रीज करने के लिए ड्रॉ कर सकूं। तो मैंने ये आउटलाइन प्रिपेयर किया है, चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अलग अलग भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये है सेकेंड 5 ईयर प्लान का। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी आता है तो आप एज अ डिजिट में करके आप सर्कल कर सकते हो एंड देन इस तरह से कर सकते हो। जब आप ट्रांसक्राइब करोगे इंग्लिश में तो आपको कम्प्लीटली ऐसे ही ट्रांसक्राइब करना है इंग्लिश में, बट शॉर्ट हैंड में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पीचेस। स्पीचेस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और डिसजॉइंट करके भी कर सकते हो। जस्टिफाइज, लॉन्गर। सोर्स, आर्ग्यूज, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो ईजिली। प्रॉफिट्स, ये आपका हो गया प्रॉफिट्स, लाइक दिस, इस जगह पे ऐसे लिख सकते हो। एंड स्टार्टिंग में आपका ऐसे नहीं होगा, आप इसे रिमूव कर देना, आप ऐसे ड्रॉ करो। प्रॉफिट्स प्लूरल है सो आप लास्ट में एस लगाओ, ऐड करो, एंड इस आउटलाइन में भी आपको ऐसे प्रॉफिट्स करना है। सो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये अलग आउटलाइन मैंने एक और ड्रॉ इसलिए कर रखा है बिकॉज़ HALF हाफ का भी आपको आउटलाइन कुछ इस तरीके का है मिलेगा। तो इफ़ यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज, तो आप अगर अलग अलग ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्लाइडिंग। नेक्स्ट इज हैबिट। रेफरिंग, RFRING ड्रॉ कर दिया। कोटेशंस इस तरह से ड्रॉ किया। पब्लिश, पब्लिश्ड ऐसे ड्रॉ किया। अमेरिका, लाइक दिस। प्रोफेसर इस तरह से फ्लोटेड, आप मेरे ड्रॉ करने के वे को देखेंगे किस तरह से, किस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इन्वेस्टिंग। फॉर्म, क्रिएटेड, ये COM का हम इस तरह से सी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बिग ड्रॉ करते हैं ये क्रिएटेड, ये सारे आउटलाइंस के सी स्मॉल ही रहेंगे, क्रिएटेड लाइक दिस। इंश्योरेंस आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ अ डेज। क्रेडिट, वर्दीनेस, फिर से वर्दीनेस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। क्रक्स, CRX, क्रक्स। रेम्यूनरेशन ऐसे ड्रॉ करना। एनकरेजमेंट, ये ई है देन CRGMENT का सिंबल। अल्टरनेटिव, डायरेक्टर ये आपको लॉन्ग ड्रॉ करना है बिकॉज डी और आर हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है, देन सी व्हेन टी एंड आर हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है, इसलिए होप सो आपको रूल्स याद होंगे। परमिटेड। मेयरली। फ्लेक्सिबिलिटी। इवॉल्व। नेक्स्ट इज इंस्पाइट। शेकल्स, अगेन डिग्री। सैंक्शन। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिसिंग
एक ये स्पेलिंग होती है और एक ये, एस और सी का डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिसिंग है उसका आउटलाइन आप ये देख रहे हो, ये पहला वाला है, फर्स्ट फर्स्ट वाली आउटलाइन है प्रैक्टिसिंग। इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड इस वाले स्पेलिंग के लिए हम इसे इस तरह से सेकंड वाले जैसे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रैक्टिसिंग के लिए ये आउटलाइन है एंड इस प्रैक्टिसिंग के लिए, सी प्रैक्टिसिंग के लिए ये आउटलाइन है। ओके, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ग्रॉसरी, एथिक्स, ट्रेडिशंस। तो ये कुछ आउटलाइंस थे हमारे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 के। तो ये कंप्लीट होती है ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 एंड उसके वर्ड लिस्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करें ट्रांसक्रिप्शन प्लस वर्ड लिस्ट बोथ, एंड रीडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीड भी करें, रीडिंग करने से भी आपको आउटलाइन अच्छे समझ में आएंगे एंड कौन से आउटलाइन में आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो भी समझ आएगी। तो आप उसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो रीडिंग करते वक्त आप समझोगे कि क्या हमें इसमें बेनिफिट हो रही है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड सो आज के लिए ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में मिलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 8 में विद देयर वर्ड लिस्ट। थैंक यू फॉर टुडे।